हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपको जैसे पता ही होगा कि हमारे एलपी असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और साइंस एक काफ़ी बड़ा विषय बन के उभरा है। वो चाहे हमारे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे में तो दोस्तों स्पेशल साइंस आती है। तो मैं आपको 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर कराऊंगा, जो कि भौतिक ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं हर एक एक सब्जेक्ट से करवाऊंगा। आज भौतिकी के आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन करके हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो को पूरा देखोगे तो इससे फ़ायदा आपको होगा। और मैं अपने आप को मानूंगा कि भाई कुछ सहयोग हमारा भी है और कुछ सहयोग आपका भी है। तो दोस्तों वीडियो को उम्मीद करता हूँ आप शेयर करोगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? दूरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण? विश्राम जड़त्व। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम। समुद्र में पलवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/10 या 1/10। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करके इसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम से सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्रीय बल। जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग। किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग समुद्र के चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? 1/6 या 1/6। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठीय तनाव। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का नियम किस से संबंधित है? पलवन का नियम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? 9.8 न्यूटन। 1 horsepower बराबर कितने वाट होती है? 746 वाट। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस तरह तैरती है? पृष्ठीय तनाव के कारण। एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंके कि यह अधिकतम दूरी तय करे? 45 डिग्री की कोण से। किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित करती है? ब्रह्मा गुप्त। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा गुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले।
क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूरी तय करे 45 डिग्री कोण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्षण प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? रमफोर्ड एक वैज्ञानिक है दोस्तों, उसने दिया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया था? तो डेवी ने। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण ऊंचा हो सकता है? बॉयल के अंदर उच्च दाब होता है। पूर्ण विकिरण उत्मापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण उत्मापी द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमाप एक ही होंगे? -40 डिग्री सेल्सियस। मापने का 0 डिग्री सेल्सियस कितनी डिग्री के बराबर होता है? 32 डिग्री के बराबर। मानव शरीर का तापमान 98.6 फैराडे होता है, सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां। एक मनुष्य का ताप का क्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापमान फारेनहाइट पर कितना होगा? 140 डिग्री फारेनहाइट। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। साइकिल के ट्यूब अधिकांश गर्मी में फटते हैं, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के सतल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते? चालन। द्रव्य तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार से पहुंचती है? विकिरण। ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं? विकिरण। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की कण गति नहीं होती कौन सी होती है? विकिरण। दोस्तों कहने का मतलब ये है भी उसको माध्यम की जरूरत नहीं होती। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेक्षण क्या कहलाता है? संवहन। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलुलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरणें। धूप से बचने के लिए छत्ते में रंग संयोजन कौन सा उचित है? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस प्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? विकिरण। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? जल में। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। अपद्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। चावल को पकने में कहाँ अधिक समय लगेगा? माउंट एवरेस्ट पर। किसी द्रव्य का उसके कवकनाक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण। किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होगा तो 160 डिग्री फारेनहाइट पर यह दुगुना होता है। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? पिंड के द्रव्य पर। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर होता है? तो 37 डिग्री।
ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल उच्च तरंग दे रही है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? साफ मौसम। मिट्टी के गड्ढे में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण। प्रासर्व तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने। ध्वनि का तारतव्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्रासर्व तरंग। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा से होती है? मनुष्य की ये जस्तो प्रासर्व होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? लोहा में। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तारतव, जिसे पिच बोलते हैं दोस्तों। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज की उड़ान भरना। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान के कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकंड। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? 56 फीट या 17 सेंटीमीटर। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी दोस्तों परावर्तन। परावर्तन होता है दोस्तों टकरा के वापस आ जाना, इसको हम परावर्तन कहते हैं। पास आती रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डोपलर प्रभाव। किसी एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, आवृत तरंग। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ जा रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर/सेकंड हो तो वायुयान की चाल होगी, इसका डबल हो जाएगा दोस्तों, 664 मीटर/सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस की तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो हमेशा दोस्तों लोहा में। जब एक पद्धति जिसमें प्रासर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी। कौन सी तरंगे सुनने में संतरण नहीं कर सकती? ध्वनि। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है कहलाता है सोनार। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आइगेंस के द्वारा। किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि है? ध्रुवण। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेमाल्डी ने। कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवण। कौन सी सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि करता है? व्यक्तिकरण का सिद्धांत। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट। तो दोस्तों ये थी आज हमारे 100 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स में हमें ज़रूर बता देना है। और हमारे चैनल कारामाजू आईटी सरकारी नौकरी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको एक रेड रंग का बटन दिखाई देगा, उसे आप क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। उससे ये फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और दोस्तों हम अपने इस चैनल पे
हर सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, वो एडमिट कार्ड हो या सरकारी नौकरी से रिलेटेड हर वो जानकारी मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि दोस्तों अगर आप शेयर करोगे तो मैं वीडियो को, मेरे को काफ़ी मैं मोटिवेटेड होता हूँ कि भाई मैं जो कराता हूँ वो बच्चे दिल से करते भी हैं, और मैं आपको 500 सामान्य विज्ञान के प्रश्न उत्तर कराऊंगा। आज का हमारा पहला पार्ट था, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप शेयर करेंगे। थैंक यू दोस्तों सारे भैया ने।